सतगुरु साहब सच्चे पातशाह के पावन हजूरी च जुड़ के बैठे हैं। गुरु वालों बख्शी फतेह की सांझ पाओ। कल लिखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज इस पवित्र स्थान पर संत ज्ञानी जरनैल सिंह खालसा पिंड नाणे का जन्म स्थान है। जिस स्थान तो मेरी दस्तारबंदी हुई तो आप कौम का कार्ज रंभिया, अज उस स्थान पर इस कौमी कार्ज न चलद एक जीवन के बड़े अहम मोड़ से आप आ खड़े। पिछले एक महीने तो जो कुछ वापरिया वो तुम सारा कुछ वेख्या, मैं दोहराना नहीं। थोड़े समय से संखेप आप गल बेट देनी है। एक महीना पहला जो हुकूमत ने जबर सिखा ढाया, उस जबर न जरा प्रतख इस करके हो गया। जे कल गिरफ्तारी की गल होंगी तो शायद गिरफ्तारी के बहुत तरीके से जिन्हों का मैं सहयोग भी करता, पर जो चेहरा हुकूमत का नंगा होना सी दुनिया भर के सामने होया। जो सिख नौजवानों के जबर ढाया गया, देखो सतगुरु सच्चे पातशाह की कचहरी के असी दोषी नहीं, दुनियावी कचहरी से असी दोषी हो सकते हैं। सो एक महीने तो बाद असी अज फैसला किया कि इस धरती से लड़े हाँ, इस धरती से लड़ांगे, धरती छड़ के कितने नहीं जाते। सो इस करके जेडे झूठे केस साढ़े ते परचे पे ने इनका सामना असी दाल तज कर लाँगे। तो संगतों का बहुत बहुत धन्यवाद करना है। देखो संगत दियां अरदासां तो बिना ना तो एडे घेरिया चो निकल जाना संभव होंदा, संगत दियां अरदासां तो बिना ना तो इन्ना लम्मा समा जिहड़ा रूपोश हो जाना संभव होंदा। यह संगत दियां अरदासां दे गुरु साहब की कृपा सदका सारा कुछ वापरिया। अज उस स्थान के उत्ते असी आप गिरफ्तारी देने का फैसला किया। यह गिरफ्तारी जिहड़ी है यह अंत नहीं, यह शुरुआत है। सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा करन, यह जिहड़ा झूठ का पलंदा साढ़े खिलाफ सिरजिया गया है इनू भन्नदा संसार जिहड़ा सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा करके इनू भन्नणगे। तो सेठ ही संगतां दे जिहड़े असी रूबरू जिहड़ा सन्मुख हो के संगतां विच विचरांगे। जिहड़ी अमृत संचार की मुहिम जिहड़ी खालसा विहीर असी शुरू की सतगुरु ने साडे कोलों आप कराई है, उस खालसा विहीर नूं मुड़ आरंभांगे। पर नौजवानों नूं एक मेरी अपील है भी जिस खड्डे पाटे की जिहड़ी पौल छक रहे सी असीं, जिहड़े नशियां तों दूर हो रहे सी, उस तों तंग आ के हुकूमत ने सारा कुछ कीता है। ते हुकूमत तां जित सकदी है जे असीं खड्डे पाटे की पौल तों भगौड़े हो जाईए, पर जे अज असीं इस दा जवाब इस तरीके नाल देईए कि वध चढ़ के नौजवान खड्डे पाटे की पौल छकण, नशे त्याग के गुरु ते लड़ लगन, ते पंजाब दे हक्कां लई संघर्ष करन, तो फिर हुकूमत सानू नहीं हरा सकती। सो मेरी नौजवानों ने बेनती है कि साड़ी गैर हाजरी के विच इदां नहीं समझना कि हुण असीं अमृत नहीं छकणा, अमृत गुरु दा है, साड़े वर्गे हजारा आउणगे हजारा जाणगे। सो इस करके तुसीं अमृत छकना है, खंडे पाटे की पौल छक के अमृतधारी होना, शस्त्रधारी हो के जीवन बतीत करना है। सो इन्नियां बेनतियां दे नाल मैं शुकराना सारी संगत का करदा। सारी संगत ने जिन्ना प्रेम बख्शिया है देशों विदेशों के विच उन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद है। सतगुर कृपा करन तुसीं अरदास बेनती जारी रखनी है क्योंकि तुहाडियां